फिलिस्तीनियों के लिए भी दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला उन्हें इस जुल्म से निजात दे जो इन पर हो रहा है। कहते हैं कि अब चंद दिन के लिए जंग बंदी है ताकि ज़रूरियात ज़िंदगी की मदद पहुंच सके, लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा? मदद पहुंचा के फिर मारेंगे इनको? इसराइल की हुकूमत के इरादे तो ख़तरनाक लगते हैं इनकी, क्योंकि इनकी हुकूमत के ख़ास मशीर ने कल परसों ये ऐलान किया है कि अगर इस जंग बंदी के बाद फिर फौरी जंग ना शुरू की गई तो मैं हुकूमत से निकल जाऊँगा। तो इस किस्म के तो इनकी सोचें, बड़ी ताकतें हैं, बातें तो करती हैं हमदर्दी की बज़ाहिर, लेकिन इंसाफ करना नहीं चाहती और इस मामले में संजीदा ही नहीं है। इनको ये इल्म नहीं, समझते हैं कि वहीं तक महदूद रहेगी, लेकिन जो अक्लमंद हैं इनके वो कहने भी लग गए हैं कि जंग सिर्फ उन इलाकों में महदूद नहीं रहेगी बल्कि बाहर भी फैलेगी और इनके मुल्कों तक भी पहुंच जाएगी। मुसलमान हुकूमतें हैं और कुछ बोलना शुरू हुई हैं, जिस तरह सऊदी बादशाह ने भी सुना कहा है कि मुसलमानों की एक आवाज़ होनी चाहिए। तो एक आवाज़ बनाना पड़ेगी, इसके लिए ठोस कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला उनको अगर ये एहसास पैदा हुआ है तो इस एहसास को अमली जमा पहनने की भी तौफीक अता फरमाए। बहरहाल दुआओं की तरफ बहुत तवज्जो दें।